गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, दैट इज dp/dt, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एंड न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज सेकेंड बी ऑफ चैप्टर टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फिजिकल क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमने ये किसमें डिस्कस किया था, सेकेंड लॉ में डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किस फोर्स किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स फोर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हमें ये भी पता है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो किसका रिलेशन, वो हमें किस बारे में बताता है, वो इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में बताता है। जो सेकेंड लॉ है वो किस में रिलेशन देता है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एंड फोर्स में। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या था हमारे पास कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, फोर्स के इक्वल है। ठीक है, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमें पता है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वन न्यूटन फोर्स। वन न्यूटन फोर्स क्या होता है, तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास के यूनिट्स क्या है, किलोग्राम, एंड एक्सलरेशन के यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अगर हमें वन न्यूटन फोर्स को डिफाइन करना होगा तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एज दैट फोर्स विच वेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। मास कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 kg। कितना एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा, 1 m/s². दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 N फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सलरेशन। तो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो रिलेशनशिप है फोर्स एंड एक्सलरेशन के बीच में वो क्या है, F=ma। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सलरेशन प्रोड्यूस इन इट। क्योंकि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सलरेशन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, F=ma। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द मास ऑफ ए बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बोथ डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू द एक्सलरेशन। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर मास और फोर्स को हम डबल कर देंगे तो एक्सलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो अगर मैं यहाँ से एक्सलरेशन का वैल्यू निकाल लूँ तो ये कितना आएगा, फोर्स बाय मास। तो अगर मैं फोर्स को डबल कर दूं, यानी कि डबल होके फोर्स कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। ठीक है, मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सलरेशन बोलते हैं कि सेम रहेगा, कैसे सेम रहेगा, देखिए एक्सलरेशन क्या था, F/m, F की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2F, m की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2m, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, F/m। तो इस केस में क्या है कि जो हमारा एक्सलरेशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन। तो हमने अभी ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि न्यूटन किसके यूनिट होते हैं, न्यूटन फोर्स के यूनिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ ए जेट एरोप्लेन। तो हमने ये पढ़ा है कि जो जेट एरोप्लेन है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ए रॉकेट वर्क्स। तो रॉकेट भी किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे ही बेस करते वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या है, अ रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इन ए वैक्यूम। तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन ऑफ 1 m/s² इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो आपको अभी याद होगा कि जब हमने 1 N को डिफाइन किया था तो 1 N की डिफाइनिंग में हमने ये लिखा था कि फोर्स
तब 1 न्यूटन प्रोड्यूस होगा, जब वो मास कितना होगा हमारे पास 1 kg एंड एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास 1 m/s2। ठीक है, तो इस केस में पूछा है कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन 1 m/s2 है, मास 1 kg है, तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स ऑब्वियस है कि हमारे पास कितना होगा, 1 न्यूटन फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास आप लिखोगे 1 kg, एक्सेलरेशन लिखोगे 1 m/s2, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर कितना आएगा, 1। और न्यूटन क्यों लिखा, बिकॉज फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाई ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 10 kg। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन, मास कितना है 10 kg। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, फोर्स सबसे पहले जो गिवन है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, मास कितना है 10 kg। हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना है आपके पास 5 न्यूटन, मास कितना है 10, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आएगा 0.5 m/s2। वाई मीटर पर सेकेंड स्केयर, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड स्केयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अ गर्ल वेइंग 25 kg स्टैंड्स ऑन द फ्लोर, शी एक्सर्ट ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 N ऑन द फ्लोर, व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एक्सर्ट ऑन हर। तो इस केस में उन्होंने बोला है कि जो गर्ल है 25 kg है, उसके पास जो वेट है, ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स वो कितना एक्सर्ट कर रही है, 250 N एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो फ्लोर, उन्होंने पूछा कि जो फ्लोर है वो कितना फोर्स उस पर एक्सर्ट करेगा। तो हमने ये पढ़ा था अपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ एक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर वो 250 N फोर्स फ्लोर पे एक्ट कर रही है, तो फ्लोर भी उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो फोर्स भी फोर्स क्या होगी इस केस में हमारे पास, 250 N। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन हर इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल, दैट इज इक्वल टू 250 N। ओके, तो ये किसके बिहाफ पे हमने आंसर लिखा है, हमने लिखा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेस पे। ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ एक्शन के होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, वो है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक इट इज इजियर टू एक्सेलरेट ए स्मॉल कार देन ए लार्ज कार। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो उन्होंने बोला है कि मतलब इजी है एक्सेलरेट करना स्मॉल कार को एज कम्पेयर टू लार्ज कार। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्मॉल कार होती है उसका मास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो जो मास है वो एक्सेलरेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा मास होगा उतना कम क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो ये थे बेटा हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2B। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।